पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी ने कश्मीरी पंडितों की पीड़ी एवं उनके दुख दर्द को देश भर में वोट पाने के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। पीपीडी अध्यक्ष यहां अभी गुजर क्षेत्र में कश्मीरी पंडित रोशन लाल के घर का दौरा करने के बाद संवाददाताओं से बात कर रही थी। रोशन लाल फोटो पत्रकार थे जिनकी पिछले महीने मौत हो गई। महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया कि भाजपा ने कश्मीरी पंडितों को न केवल वोट बैंक के रूप में बल्कि हथियार के रूप में भी इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि पंडित समुदाय के अपने इतने वोट नहीं है, लेकिन भाजपा ने उनके वास्ते कुछ नहीं किया, बिना ही उनकी पीड़ी और दुख दर्द का इस्तेमाल किया तथा वह उनके नाम पर वोट हासिल करना निकल पड़ी। पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य की मुख्यमंत्री रही महबूब मुफ्ती ने कहा कि जब से भाजपा नीत केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में प्रत्यक्ष रूप से प्रशासन चलाने लगी है, तब से वे कश्मीरी पंडित भी चले गए जो यहाँ रह रहे थे, क्योंकि स्थिति ही ऐसी हो गई। पीडीपी प्रमुख ने कहा कि लाल उनके पिता मुफ्ती महबूब सईद के घनिष्ठ मित्र थे और कुछ फिल्मों में दिखाई गई स्थिति के बावजूद घाटी में रहते थे। महबूब मुफ्ती ने फिल्म कश्मीर फाइल्स की ओर संकेत किया। उन्होंने कहा कि देश भर में कश्मीरियों को बदनाम किया जाता है, उनके बारे में फिल्में बनाई जाती हैं। मैं सोचती हूं कि भाईचारा के बीच लाल का यहां रहना एक फिल्मों को जवाब है। लाल के निधन पर बड़ी संख्या में लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। ये भाईचारा का सबसे बड़ा उदाहरण है। घाटी में कश्मीरी पंडितों की वापसी की चर्चा करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि समुदाय को किसी सरकार की मदद की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन जम्मू या अन्य जगह पर बड़ी मुश्किल स्थितियों में रह रहे हैं। मैं समझती हूं कि उन्हें यहां बसने के लिए किसी से मदद की जरूरत नहीं है। वो चाहे भाजपा की सरकार हो या महबूब मुफ्ती की या किसी अन्य की, कश्मीर के लोग चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित लौटें।